जी सुनील जी, आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पत्र याचिका दाखिल की है नरेंद्र गिरी महाराज जी के जो संदिग्ध हालत में मौत हुई है उसके खिलाफ, तो आपने याचिका में कौन कौन से बिंदुओं पे क्या क्या मांग की है माननीय न्यायालय के समक्ष? देखिए, मैंने माननीय न्यायालय से सबसे पहले तो मेरी ये प्रेयर है कि इसकी CBI जांच की जाए और इलाहाबाद के DM RSSP को तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये छोटा मोटा इशू नहीं है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था पर एक चोट है। जो हमारे गुरु हैं उनकी ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड नोट मिल रहा है, ये 100 करोड़ जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। ऐसे गुरु जो देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जीवन जीने का उपदेश देते हों और आज वो सुसाइड कर लेंगे, हो ही नहीं सकता है। कई पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, ये सब मैनिपुलेट किया गया है, कहीं ना कहीं जालसाजी फर्जी तरीके से इनकी हत्या हुई है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए और ऐसे महंत और गुरु जिनके संबंध बातचीत माननीय प्रधानमंत्री जी से हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो रही है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हो रही है, और वो व्यक्ति उसको किस बात का डर? अगर कोई तनाव या टेंशन हो तो वो क्यों नहीं उसके लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, जबकि वायु श्रेणी की सुरक्षा है। तो कहीं ना कहीं इनकी हत्या हुई है, ऐसा हम सभी लोगों का मानना है। इसी को लेकर के हाईकोर्ट में एक पत्र लेटर हमने भेजा है। जी सुनील जी, आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पत्र याचिका दाखिल की है नरेंद्र गिरी महाराज जी के जो संदिग्ध हालत में मौत हुई है उसके खिलाफ, तो आपने याचिका में कौन कौन से बिंदुओं पे क्या क्या मांग की है माननीय न्यायालय के समक्ष? देखिए, मैंने माननीय न्यायालय से सबसे पहले तो मेरी ये प्रेयर है कि इसकी CBI जांच की जाए और इलाहाबाद के DM RSSP को तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये छोटा मोटा इशू नहीं है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था पर एक चोट है। जो हमारे गुरु हैं उनकी ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड नोट मिल रहा है, ये 100 करोड़ जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। ऐसे गुरु जो देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जीवन जीने का उपदेश देते हों और आज वो सुसाइड कर लेंगे, हो ही नहीं सकता है। कई पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, ये सब मैनिपुलेट किया गया है, कहीं ना कहीं जालसाजी फर्जी तरीके से इनकी हत्या हुई है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए और ऐसे महंत और गुरु जिनके संबंध बातचीत माननीय प्रधानमंत्री जी से हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो रही है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हो रही है, और वो व्यक्ति उसको किस बात का डर? अगर कोई तनाव या टेंशन हो तो वो क्यों नहीं उसके लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, जबकि वायु श्रेणी की सुरक्षा है। तो कहीं ना कहीं इनकी हत्या हुई है, ऐसा हम सभी लोगों का मानना है। इसी को लेकर के हाईकोर्ट में एक पत्र लेटर हमने भेजा है।